तो दोस्तों आज बना रहे हैं सुपर डिलीशियस सर्दी का स्पेशल बनने वाला गाजर का हलवा। बहुत ही डिलीशियस बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का बताऊंगा, लास्ट तक देखिएगा। टेस्ट की तो मेरी 100% गारंटी है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है लेकिन बनेगा ज़बरदस्त। तो ये शुरुआत करते हैं सुपर डिलीशियस बनने वाला गाजर का हलवा बनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ आपको मेजर इंग्रेडिएंट जो है गाजर। ये लाल गाजर है, पीली बिल्कुल मत लीजिए। 1 किलो गाजर है, 200 ग्राम मावा है, ये मैं मार्केट से लेकर के आया था, और 750 ml मिल्क है, 200 ग्राम ही शक्कर है, 100 ग्राम घी है, कुछ किशमिश, काजू, बादाम और इलायची। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर डिलीशियस बनने वाला और एकदम डिफरेंट तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाला गाजर का हलवा बनाना। देखिए सबसे पहले इन गाजर को ऊपर और नीचे से काट के इनको छील लिया है। अब इनको ये जो हमारा कद्दूकस है, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, इससे इसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों मैंने ये एक बड़ी कढ़ाई में देसी घी ले रहा हूँ मैं, तो घी को गर्म होने देते हैं। देखिए घी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। पहले मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है, इसमें हम डाल देंगे हमारी कसी हुई ग्रेटेड गाजर और इसको धीरे धीरे करके अच्छे से भूनेंगे। देखिए ये खाली 2 से 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, और इसको एकदम आराम से हल्के हाथ से करना है। हमें इसका हलवा बनाना है लेकिन गाजर जो है वो एकदम क्रश नहीं करनी है, तो एकदम थोड़ा आराम से धीरे धीरे इसको भूनिए, 2 से 2.5 मिनट, से ज़्यादा नहीं। देखिए गैस एकदम सिम पे थी और करीब 2.5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मिलाएंगे दूध, ये फुल क्रीम दूध है और ये 750 ml दूध है। अब इसमें एकदम स्लोली धीरे 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 इसको पकने दें। तो देखिए धीरे धीरे गाजर को दूध में पकने देते हैं और दूध धीरे धीरे करके सूख जाएगा। दोस्तों देखिए जब तक हमारा हलवा एक साइड में रेडी हो रहा है, उसी बीच में एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेकर के जो हमारा मावा है उसको क्रम्बल करके इसमें डाल के इसको थोड़ा भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा ना, एक तो टेस्ट इसका और बेटर हो जाएगा और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए इसको भून लेते हैं अच्छे से। और देखिए इस साइड में हमारा जो दूध है वो कम होता जा रहा है और हमारी गाजर बड़े अच्छे से भुनती चली जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 5 इलायची ली थी, उनको मैंने कूट लिया है, पाउडर बना लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। देखिए मावे ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है, तो इसको निकाल के एक साइड में रख के रख लेते हैं। दोस्तों देखिए दूध जो है हमारा काफ़ी हद तक सूख गया है और अब हम इसमें जो हमने मावा भूना था वो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा घी ऑलरेडी है तो इस मावे को इसमें ऐड कर देते हैं और पूरा इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों हम करीब 50 ग्राम घी अभी इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से अब भुनने देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये भुनेगा। देखिए काफ़ी अच्छे से भुन रहा है और अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश और 100 ग्राम चीनी। देखिए आपको शुगर टेस्ट के हिसाब से लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ गाजर काफ़ी अच्छी मीठी होती है तो शक्कर कम चाहिए, कुछ गाजर थोड़ी कम मीठी होती है शक्कर ज़्यादा चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी इसको भुनने देते हैं, अच्छे से चीनी को मिक्स होने देते हैं। देखिए लगातार मावा डालने के बाद में इसे हम चलाते रहे हैं और अब इसमें हम अपना बचा हुआ घी भी डाल देंगे, इसको अच्छे से भुनने देंगे। देखिए मैं कभी भी नहीं कहता कि जो मैं हलवा बनाता हूँ वो शादियों वाला हलवा है, क्योंकि शादियों में जो हम हलवा खाते हैं ना वो काफ़ी कोई कच्चा सा ही होता है, तो हम जो बना रहे हैं वो अच्छे से भुना हुआ, थोड़ा ज़्यादा भुना हुआ मैं पसंद करता हूँ, तो अच्छे से भून के बना रहे हैं। भूनने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो, लेकिन गैस कम पे अच्छे से भूनिए, बहुत टेस्टी बनता है। दोस्तों देखिए इतना सिकने के बाद में मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इस स्टेज में ना आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, और जितना आपको एक बार में खाना उतना आप निकाल करके इसको फिर से अच्छे से उसको और भुनेंगे। थोड़ा अभी कम भुना हुआ है, जब आप खाने के लिए निकालेंगे तब अच्छे से और भून करके थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हैं
अब इसको भून लेंगे। तो अब मैंने वापस से कढ़ाई में मैं घी ले रहा हूँ। देखिए घी गर्म हो गया है, और अब जितना हम भूनना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं अभी इस बार में, उतना हलवा हम ले लेते हैं। इसमें मिला देंगे थोड़ी सी शुगर और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम को हमने घी में थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ था। अब जितना आप पसंद करते हो उतना आप भून लीजिए। मुझे थोड़ा ज़्यादा भुना हुआ अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही भूनता हूँ, जितना आपको भून के पसंद हो। देखिए घी इसने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा भुना हुआ पसंद करता हूँ। थोड़ा सा और रेड हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से भुन जाएगा, तो टेस्ट और ज़्यादा निखर के आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। इस फाइनल स्टेज में ना देखिए गैस काफ़ी तेज़ है, और मैं लगातार इसको भून रहा हूँ, जिससे जल्दी फास्ट भी भुन जाएगा और पूरा भुन जाएगा। तो अच्छे से भुनिए, देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है, और मुझे ऐसा ही पसंद है। तो अब मैं कर देता हूँ गैस को बंद, और इसको निकाल लेता हूँ एक बाउल में। तो दोस्तों रेडी है हमारा सुपर डिलीशियस गाजर का हलवा। ये जो मैंने पूरा भून के रखा है फाइनल शेप में, और इसको आप एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जितना आपको जब जब खाना हो। तो निकाल के अच्छे से भून के थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा घी ऐड करके, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके आप उसे सर्व कर सकते हैं। टेस्ट की तो मेरी 110% गारंटी है, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप मेरी गारंटी है कि आपको मज़ा आ जाएगा खा करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।